हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके FY BCom सेम वन का मैथ्स का जो हमारा सीरीज चालू हुआ था उसमें #4 एंड लेक्चर नंबर 3। जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको क्लियर बता दिया जाए कि FY BCom सेम वन के मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको बना के दिया गया, जिसमें #1 से लेके मीन्स जब तक का आपका वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मीन्स पोर्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कंटिन्यू सीरीज जाती रहेगी। एंड आपको मैथ्स में KT की यहाँ पे बात करो, KT की सिर्फ बात नहीं करूंगा, कैसे मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है वो चाहे आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो अदरवाइज ESP वाले स्टूडेंट हो उसकी टेंशन आप छोड़ दो कि मैथ्स सर हम लोग ने ESP लिया था 2 साल तो क्या प्रॉब्लम है। मैथ्स बहुत हार्ड लेवल का नहीं है, मीन्स मैथ्स 2 वाले पार्ट तो आपको इसमें है नहीं, तो ये टेंशन नहीं है, ये चीज़ें माइंड से निकाल दो। सेकेंड बेनिफिट आपको ये चीज़ है कि कैल्सी आपको है अलाउड, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला जो बड़ा कॉन्सेप्ट था वो तो हो गया बहुत सिंपल, कैल्सी अलाउड है। बाकी कॉन्सेप्ट आप साथ में इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे अपने एग्जाम तक, आपको खुद गारंटी हो जाएगा कि मैथ्स में अच्छा स्कोर आप कर ले जाओगे। ध्यान से देखना है लेक्चर नंबर 3। सर आपने फिर से वही टॉपिक क्यों ले लिया है? जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स देखे थे उन्होंने बोला सर मैक्सिमिन मैक्सिमैक्स एंड लैपलेस एंड मिनिमिन का सम तो ऑलरेडी आपने बोला था सर, टॉपिक क्लोज कर दिया, तो ये सम क्यों लिया? तो ये सब मुझे पता है मोस्ट ऑफ बच्चों का, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करते नहीं, डाउट है फिर भी कॉमेंट नहीं करते, और बहुत सारे बच्चों के मन में ये चीज़ डाउट रहेगा, बहुत लोग करेंगे भी, वीडियो अपलोड नहीं हुआ है वो वाला, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ डाउट कन्फ्यूजन ये हुआ होगा कि सर टॉपिक बहुत सिंपल है जो आपने लास्ट वीडियो में लिखने वाला कॉन्सेप्ट बताया वो जो थोड़ा सा हार्ड लेवल पढ़ रहे हैं, तो उसको इजी करने का दूसरा मेथड लेके आ गया हूं कि भाई उतना डिटेल ना लिखना है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रेडी है। क्या करना है, जो बच्चे इस चैनल में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको बता दो, क्वेश्चन रीड कर देता हूं क्या करना है। देखो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, बेस्ट है आप प्लेलिस्ट मतलब जो आपको बनाई गई स्टार्टिंग से देखोगे तो यहां पे ऐसे भाई एक जो मतलब फोर्थ वीडियो मीन्स #4 लेक्चर नंबर 3 सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं फर्स्ट नहीं देखूंगा तो सेकंड डायरेक्टली देख रहा हूँ समझेगा नहीं, सेकंड से थर्ड डायरेक्टली देख रहा हूँ नहीं समझेगा, कंटिन्यू देखोगे पूरा कॉन्सेप्ट ही माइंड में फिट हो जाएगा। बात करेंगे देखो आप पे टाइप 1 चल रहा है हमारा इस टॉपिक का, मैक्सिमिन मैक्सिमैक्स लैपलेस मिनिमिन, 4 चीज़ें पूछी जाएंगी, 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बनने वाला है। तो बात करेंगे देखो इस तरीके से, एक आपको टेबल दिया होगा कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ नेचर, A1 A2 A3 S1 S2 S3, 4 चीजें बोलेंगे फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमिन मैक्सिमैक्स लैपलेस एंड मिनिमिन। ध्यान से सुनना है समझना है क्या बोला गया, मैंने क्वेश्चन को 1-2 फिलहाल तो 2-2 करके बता रहा हूं, इसलिए 2 बोर्ड अब और बड़ा होता या फिर पॉसिबल होता तो मैं 4 बार क्वेश्चन कॉपी कर देता, क्या 4 बार सर, ये टेबल कॉपी करता मैं, टेबल कॉपी करता। ध्यान से देखना, पे ऑफ टेबल मैंने जैसा था वैसा कॉपी कर दिया। ध्यान से देखना, जो बच्चे ये वीडियो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं उनको भी इस तरीके से बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैक्सिमैक्स नाम क्या मेंशन करे ध्यान से देखना है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ने जो इस लेक्चर नंबर थर्ड टू देखा है तो उनको तो ऑलरेडी समझ में आ गया, सर आपने बताया था मैक्सिमैक्स मतलब इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, मैक्सिमैक्स फर्स्ट वाला है लास्ट वाले को बोला था आपने देखने के लिए, मैक्सिमम फिर उसके बाद जो मैक्सिमम में आएगा फिर वो मैक्सिमम मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे सर समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप, तो मैंने बोला सिंपल सा देखो एक टेबल मैंने कॉपी किया है आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मैक्सिमैक्स दिए के तो मतलब 2 पार्ट में डिवाइड, ये मैक्स से अलग गया ये मैक्स अलग गया, मीन्स मैक्सिमम लेना है सर, किसमें से लेना है कहाँ से लेना है, पूरे टेबल से लेना है, स्टेट ऑफ नेचर से लेना मीन्स S1 S2 S3 से लेना है, A1 A2 A3 से लेना है, तो डाउट कर देता हूँ क्लियर। यहाँ पे बना लूंगा एक टेबल, यहां पे ले लूंगा आपके लिए एक टेबल बना दे रहा हूं आगे क्लियर, और यहां लिख दिया मैंने मैक्सिमम, ध्यान से समझना पूरा कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम लेके चलना है, मैक्सिमम सर किसमें देखना है तो मैक्सिमम आपको देखना है A1 में सर कितना 2500 तो मैक्सिमम तो वही आएगा 2500, मिनिमम भी वही है मैक्सिमम भी वही है, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा देखना है सीधी सीधी बात है, एक्शन में मतलब A1 में देखो बड़ा नंबर, A2 में देखो बड़ा नंबर सर 4 है 3.5 है 2 है तो 4000 आ जाएगा, 4000 ले लिया सर, A3 में 2500 है 2000 है 1200 है सर, इसमें क्या आएगा A3 तो आ गया आपका 2500,
बहुत आसान था सर, समझ गया। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो भी बोलेंगे सर बहुत आसान है, तो सिंपल सा आपने बताया कि मैक्सिमम देख लो आप एक्शन में, तो मैंने देख लिया। फिर जो आपका ये मैक्सिमम आपने सेलेक्ट किया है, ये मैक्सिमम में से मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम सर, मैक्सिमम में से मैक्सिमम, तो ये तो है 4000, ये मैक्सिमम है, यही आंसर है आपका। मतलब पहले तीनों एक्शन या फिर चार एक्शन जैसे अब रहेगा, अभी तो फिलहाल तीन एक्शन है, तीनों में मैक्सिमम सेलेक्ट किया सर, मैक्सिमम सेलेक्ट किया। जो आपका मैक्सिमम आएगा उसमें भी मैक्सिमम सेलेक्ट करना है सर, सेलेक्ट किया 4000 आ गया। लिख दो शॉर्ट में आंसर, मैक्सिमम अमंग द मैक्सिमम, मैक्सिमम भाई लेना है फिर मैक्सिमम लेना है, पे ऑफ टेबल में कितना है 4000 सर, 4000। इसलिए ऑप्टिमम जो एक्शन है कौन सा है, A2। 4000 किसका था सर, A2 का था, तो मैंने वहां पे लिख दिया A2, क्लियर हो गया। हाँ सर, सेकेंड की बात करेंगे मैक्सिमिन, मैक्सिमिन में क्या करना है ध्यान से देखना है सर। अब ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया है कि आपने क्या बोला, यहाँ से देखना है, यहाँ मीन बोला है, यहाँ मैक्सी बोला, मीन्स पहले मिनिमम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप लिख लेना मैक्सिमिन, मैक्सिमिन बराबर है, तो मैक्सिमिन मतलब पहले मिनिमम सेलेक्ट करो। तो फर्स्ट में जब तीनों सेम है तो वही मैक्सिमम भी है वही मिनिमम भी है, मतलब हमारा यही सेम आ जाएगा। इसमें मिनिमम क्या है सर, इसमें मिनिमम तो हमारा 2000 दिख रहा है, थर्ड में मिनिमम क्या दिख रहा है सर, तो थर्ड में मिनिमम दिख रहा है 1200। मिनिमम सेलेक्ट कर लिया सर हमने, मिनिमम सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है मैक्सिमम, क्या सेलेक्ट करना है मैक्सिमम। ये तीनों में से मैक्सिमम सेलेक्ट कौन सा है सर, ये है 2500, तो आंसर क्या लिखना है, मैक्सिमम सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम एमंग द मिनिमम पे ऑफ, मैक्सिमम सेलेक्ट करना बट किसमें से, मिनिमम में से, जो कि कितना है हमारा 2500। इसके लिए हमारा जो ऑप्टिमम एक्शन होगा A1, क्योंकि 2500 किसका दिख रहा है आपको, A1 का दिख रहा है। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट अब नहीं कर सकते हो चीज़ें, क्योंकि अब इससे ज़्यादा शॉर्ट लिखोगे तो इसका नंबर तो कैंसिल होगा, जैसे आपका पूरा प्रॉपर सही है तो नंबर एग्जामिनर कट कर देगा वहाँ पे, क्योंकि इतना चीज़ें ये तो लिखना ही पड़ेगा, आपने सेलेक्ट कैसे किया है, पे ऑफ क्या है एंड आपका ऑप्टिमम एक्शन क्या आ रहा है। तो दो कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझा, अब बाकी दो बचे हैं जो हमारे वो कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेंगे। बाकी जो दो कॉन्सेप्ट हमारे बच गए, एक तो लैपलेस, एक हो गया मिनिमिन। तो मिनिमिन सर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम लोग मिनिमिन तो खुद कर सकते हैं, मिनिमिन मिनिमिन, मीन मीन्स मिनिमम, फिर से मिनिमम, मिनिमम देन मिनिमम सेलेक्ट कर लेना है सर। लैपलेस का ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, तो क्या है लैपलेस में बताया था, सीधा सीधा एवरेज करना रहता है आपको। तो फर्स्ट लैपलेस की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कॉपी कर लिया, अब ध्यान से रखना टेबल मैंने वही रखा है, अब आपको क्या चेंज करना थोड़ा समझना भी है हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहां पे करेंगे मैक्सिमम, आपने लिखा था ये अब हटेगा यहां से, क्यों हटेगा, क्योंकि अब हम लोग मैक्सिमम थोड़ी ले रहे हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं एवरेज पे ऑफ फॉर एक्शन, फॉर एक्शन ए आई, क्लियर है, फॉर एक्शन है। एवरेज कैसे करोगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे स्पेस कम है तो आप लोगों को बॉक्स थोड़ा सा जगह मिलेगा, तो क्या करना 2500 + 2500 + 2500 करके दिखाना है, तो आ जाएगा यहाँ पे स्पेस नहीं, इसलिए मैं सीधा इसका तीनों का प्लस लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई कर दिया 3, समझा कॉन्सेप्ट, हाँ सर समझा, नहीं समझा तो ये देखो 4000 + 3500 + 2000, तो हो गया ये 4 3 होता है 7 7 दो होता है 9 9 और 500 ऐड कर दोगे 9 500 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 क्यों सर, 1 2 3 कितना एक्शन है 3 है सर, डिवाइड बाई 3 4 आएगा, तो 4 कर देना, इसका प्लस करेंगे तीनों का, 2 और 2 होता है 4 4 1 होता है 5 5 700 डिवाइड बाई 3, क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, सीधा प्लस डिवाइड बाय 3। अब कैलसी ऑलरेडी आपके पास है तो कैलसी से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड का कैलसी आपके पास है तो मैं यहाँ पे सीधा आंसर लिखूंगा सर, पहले का आएगा 2500, ध्यान से देखना कैलसी पे करके देख लेना आप, सेकेंड आएगा सर 3166.67 आ रहा है, पॉइंट में जो भी आएगा वो भी लिखने का है, लास्ट वाला सर आ रहा है 1900। हाँ सर कॉन्सेप्ट समझ गया, लैपलेस में क्या करना है, जो भी क्वांटिटी है उसका एवरेज निकाल लेना है, मतलब तीन कोर्स ऑफ एक्शन है, तीनों का प्लस डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, 4 आप मतलब 4 रहेगा आपको, 4 कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा तो डिवाइड बाई 4 कर दूंगा, ये कॉन्सेप्ट समझा। इसके बाद क्या करना था ध्यान से समझना, क्या लिखना है, देखो वही कॉन्सेप्ट है, क्या चेंज करना है वो आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। अब यहां पे करना क्या है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ही सेलेक्ट करेंगे, अमंग द मैक्सिमम पे ऑफ कैंसिल हो जाएगा, अब मैक्सिमम पे ऑफ नहीं, आपका कौन सा पे ऑफ है सर, एवरेज पे ऑफ है,
क्लियर हो गया, ध्यान से समझना है। मैक्सिमम एवरेज में से लेना है, कितना सर मैक्सिमम कितना ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, कितना सर मैक्सिमम है 3166.67 और कौन सा है सर A2 है, तो ये तो A2 ही रहेगा। क्लियर है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस पर चेंजेस नहीं करना, जो स्टूडेंट डर रहे थे कि बार बार सर उतना लिखना पड़ेगा, क्या एक आपने लिख के प्रैक्टिस किया बाद में सब में वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में बात करते हैं मेनी मीन, सर इसमें क्या करना है मिनिमम लेना है फिर उसमें से भी मिनिमम लेना है, तो चलिए मिनिमम सेलेक्ट कर लेते, तो ऑलरेडी यहाँ पे मिनिमम ही लिखा है, मैक्सिमम नहीं यहाँ पे मिनिमम कर लो, अब आप मिनिमम कर लिया, उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है सर मिनिमम सेलेक्ट करना है, तो क्या चेंज करूंगा सर यहाँ पे ध्यान से देख लो, आपने यहाँ पे क्या लिखा है सर मैक्सिमम मैंने लिखा है, इसको मार दो कट, इसकी जगह पे लिख दो मिनिमम, मिनिमम में से मिनिमम सेलेक्ट करना है, जो कि कितना है सर, सर ये है 1200, अब मिनिमम सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ से कैंसिल मार दो, 1200 किसका दिख रहा है सर ए थ्री का दिख रहा है, ए थ्री का दिख रहा है, ए थ्री कर दिया, बाकी सब कॉन्सेप्ट तो वही है। आई होप ये वाले जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी टॉपिक है, मैंने सिंपल से लॉजिक से बताया कि भाई आप एग्जाम में भूलोगे भी नहीं, मिनी मीन दिया है मैक्सिम दिया जो भी दिया है कॉन्सेप्ट आप पीछे से स्टार्ट करोगे। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन रहता है अभी भी दो वीडियो के बाद भी कोई डाउट कन्फ्यूजन इस टॉपिक में रह जाता है, तो कमेंट खुला है जाके आप लोग जो भी डाउट सेक्शन है आपका डाउट पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, अदरवाइज ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखती है ज़्यादा बच्चों का वही सेम डाउट आता है तो उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो भी बना के दे दिया जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगते हैं तो पहले तो वीडियो को लाइक करो एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट भी ऐड कर दिया करो कि सर वीडियो अच्छी लग रही है, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो चीज़ भी आप बोलो, एंड कोई अगर सजेशन भी देना तो सजेशन भी आप दे सकते हो। अगला नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, उसके बारे में भी कमेंट करते रहा करो, रिप्लाई आपको मिलता रहेगा सर, कमेंट का रिप्लाई अगर नहीं दे रहे, देते तो हैं वैसे बट नहीं दे रहे तो भी आपका कमेंट पढ़ा जाता है कि आपने क्या कमेंट किया, बच्चे लोग ने क्या कमेंट किया, कौन से सब्जेक्ट पे किया, किस बारे में किया, सब एक चीज पढ़ी जाती है। अपने फ्रेंड सर्कल को इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि जो भी हमारे एफ वाई के बच्चे हैं, एफ वाई एस वाई टी वाई बी कॉम के एंड ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हैं, उनको भी इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हम लोग इसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।